दुनिया में जितने आदमी हैं सबके पास दो चीजें अवश्य हैं, तन और मन। तन मन वचन ये त्रिपुटी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जन्म से गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते, उनके पास वचन नहीं है, लेकिन तन और मन तो उनके पास भी है। आदमी तन की भूख से भी परेशान रहता है और मन की भूख से भी परेशान रहता है। तन की भूख भोजन से दूर होती है और मन की भूख भजन से दूर होती है। जीवन में जितनी आवश्यकता भोजन की है उतनी ही आवश्यकता भजन की है। तन की भूख को दूर करने के लिए तो आदमी दिन रात कठोर परिश्रम कर रहा है, लेकिन मन की भूख से पीड़ित होते हुए भी भजन की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। तन की भूख मजबूरी है, नहीं खाएंगे तो जीवित कैसे रहेगा शरीर, चलेगा कैसे? तो जीवित रहने के लिए खाना है, लेकिन जीवित क्यों रहना है? जीवित रह करके करेंगे क्या? गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे किसी से पूछो कि तुम कमाते क्यों हो, तो उत्तर देता है खाने के लिए। फिर पूछो खाते क्यों हो, तो उत्तर देता है जीने के लिए। अब फिर पूछिए जीते क्यों हो, तो मौन। जीना है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, मारपीट करने के लिए, दुखी होने के लिए, यही तो हो रहा है ना। जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? क्योंकि मौत नहीं आई है, ये कोई जीना है? क्या करें महाराज, मजबूर है, मौत नहीं आई है। यद्यपि मौत से हर आदमी बचना चाहता है, मौत किसी को प्रिय नहीं होती है, लेकिन क्यों जी रहा है आदमी? मौत नहीं आई है इसलिए मजबूरी में ढो रहा है जीवन को। ये जिंदगी की हार है। फिर हमसे अच्छा तो जानवर, न लड़ाई न झगड़ा न मार न पीट न गाली गलौज न कलह कल्पना न चिंता न भय न दुख, कोई नहीं, निश्चिंत।
भूख लगी, भोजन की तलाश किए, खा लिए, पेट भर गया, अब निश्चिंत, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं मन में। तो हमसे अच्छा तो अनेक मामलों में जानवर हैं, लेकिन जानवर आदमी से अनेक अच्छों बाबतों में अच्छे होते हुए भी वे आगे विकास नहीं कर सकते, पूर्ण मन शांति का कल्याण का काम नहीं कर सकते, क्योंकि जानवरों में मन का विकास नहीं है। मन का विकास मनुष्य में है। और इसी मन को न संभाल पाने के कारण आदमी पागल हो जाता है, और हर समय पागल नहीं भी हुआ तो हर समय पीड़ित रहता है, तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त। क्यों? भजन के अभाव में। आदमी दुखी इसलिए नहीं है कि खाने को नहीं मिल रहा है। आज तो सबको खाने को मिल रहा है, सरकार ने गरीबों के लिए वैसे ही 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल दे रही है। आदमी दुखी इसलिए नहीं है कि पहनने को कपड़े नहीं, सबके पास पर्याप्त, अपर्याप्त नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा अनेकों के पास। इसलिए दुखी नहीं है कि रहने को मकान नहीं है, कच्चा पक्का छोटा बड़ा मकान तो लगभग सब लोगों के पास है। भोजन न मिलता, कपड़े न मिलते, रहने को जगह न मिलती तो आदमी दुखी होता, तो दुखी होना सार्थक था। लेकिन ये सब चीजें मिल रही है उसके बाद दुखी क्यों? क्योंकि भजन नहीं कर पा रहा। पूर्ण दुख निवृत्ति का एकमात्र साधन है भजन। भजन के बिना जीवन को समग्रता से जिया नहीं जा सकता है, और भजन के बिना पूर्ण दुख निवृत्ति नहीं हो सकती, कल्याण आत्मशांति का अनुभव नहीं हो सकता। भजन क्या है? आप कह सकते हैं हम तो भजन करते हैं, सुबह शाम भजन करते हैं, माला फेरते हैं, नाम जपते हैं, मंदिर जाकर पूजा भी करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भगवान का स्मरण भी करते हैं। हम तो भजन कर रहे हैं महाराज, लेकिन दुख दूर नहीं हो रहा, चिंता दूर नहीं होती है। अच्छा है आप भजन कर रहे हैं, लेकिन ये भजन नहीं है, कर्मकांड है और खिलौने हैं। छोटे बच्चे रोते हैं, माँ खिलौना पकड़ा देती है, खिलौना में बच्चे भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। ऐसे ही हम लोगों ने अपने मन को खिलौना पकड़ा दिया है, इनकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ये सब बिल्कुल निरर्थक है, ये मन को बहलाने के एक साधन है। लेकिन इनको ही भजन मान लिए तो फिर जिंदगी भर भूले और भटके ही रह जाएंगे,
जो चीज चाहिए, जो दशा चाहिए, वो दशा नहीं आ पाएगी। नाम न जपते, माला न फेरते, मंदिर जाकर पूजा न करते, कथा कीर्तन न कहते सुनते, तो मन और अधिक प्रपंच में ऊर्जा होता। ये सब कुछ कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए मन प्रपंच से अलग हो जाता है। कुछ लोग चौराहे पर बैठकर या चबूतरे पर बैठकर, घर में बैठकर प्रपंच कर रहे हैं, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, निंदा चुगली राग द्वेष की बात, राजनीतिक बात ताप खेल रहे हैं, अखबार पढ़ने में घंटों घंटों का समय बिता रहे हैं। उनसे अच्छा है कि मंदिर जाकर के कुछ पूजा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं। लेकिन ये भजन के बहुत बाहरी रूप हैं, बहुत स्थूल रूप। जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, सबके अपने अपने कुछ न कुछ कर्मकांड है और उनकी आवश्यकता उपयोगिता है सामान्य लोगों के लिए। लेकिन कब तक इनमें ही उलझे रहेंगे? माला तो फेर रहे हैं, मन की दशा कैसी है? माला फेरने के साथ साथ मन को भी फेर रहे हैं या नहीं फेर रहे हैं? माला फेर रहे हैं और मन नहीं फेर रहे हैं तो ये माला फेरना एक दिखावा हो जाएगा। मान लेंगे कि हम माला फेर रहे हैं तो भजन कर रहे हैं और हम भगत हैं, धार्मिक हैं। माला फेरने के साथ साथ देखें कि इतने दिन हो गए माला फेरते फेरते मन संसार से फिर रहा है या नहीं फिर रहा है, मन गलतियों से फिर रहा है या नहीं फिर रहा है, विकारों तरफ से हट रहा है या नहीं हट रहा है। और यदि मन विकारों तरफ से नहीं हट रहा है, विषयों की तरफ से नहीं लौट रहा है, तो भजन कहाँ हो रहा है? फिर आपके माला फेरने का अर्थ क्या हुआ? इसीलिए कबीर साहब ने कहा, माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चौदित फिरे, यह तो सुमिरन नाय। माला हाथ में फिर रही है, जीव मुख में घूम रही है, राम राम या गुरु गुरु करटन चल रहा है। लोग कहते हैं, भैया देखो बड़े भजनानंदी है, भगवान का नाम जप रहा है, लेकिन मन क्या कर रहा है? मन कहाँ फिर रहा है? उस माला फिरने में, नाम जपने में है मन, या बाजार में घूम रहा है? मनवा तो चौंधी फिर, मन तो सब तरफ वही काम की भावना, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह। ते माला फिरने से क्या हुआ? मंदिर गए, किसी महापुरुष की मूर्ति है, भगवान की मान्यता है उसमें, अच्छा है चलो। मंदिर गए, मूर्ति के सामने दंडवत पड़ गए और मन दंडवत कर रहा है जूता का कि उठाकर ले ना जाए, तो कहाँ दंडवत हो रहा है, कहाँ पूजा हो रही है? वहां जाकर के भी तो आधा अधूरा मन, तो भजन कैसे हो रहा है? माला फेरने के साथ साथ मन को भी फेरते जाएं। माला फेरत जुग गया,
गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। साहब कहते हैं माला फेरते फेरते युगों बीत गए, जीवन के बहुत सारा हिस्सा बीत गया, लेकिन मन का फेर अभी मिटा नहीं, द्वेष नहीं मिटा, घृणा नहीं मिटी, ईर्ष्या की भावना नहीं मिटी, निंदा चुगली करने का स्वभाव नहीं मिटा। तो माला फेरने का अर्थ क्या हुआ? फिर कैसे माने कि भजन हो रहा है? आपको तो इसलिए कर का मन का डार दे, मन हाथ में जो मन का लिए हो इसे तो हटा दो, फेंक दो, मन का फिर मन के को फेरो, निरंतर मन पर निगरानी कि मेरा मन क्या सोच रहा है। खाते पीते उड़ते बैठते काम धंधा करते, रास्ता सड़क पर चलते, खेत में हल जोते, धान काटते, निराई करते, दफ्तर में काम करते, मन पर निगरानी कि मन क्या सोच रहा है, गलत तो नहीं सोच रहा है मन, विषय चिंतन तो नहीं कर रहा है मन, और मन में कोई गलत चिंतन नहीं आता, कुछ चिंतन नहीं होता, विषय चिंतन नहीं होता, सुचिंतन में मन लगा हुआ है, तो समझना चाहिए भजन हो रहा है। इसी भजन से जीवन में परिवर्तन आएगा, स्वभाव परिवर्तन भजन है। गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, उनका सुधार, उनके लिए ग्लानि, उनके लिए पश्चाताप, फिर उनको न दोहराना, ये भजन है। भजन ये देखें कि किसी के लिए मन में कोई कड़ता तो नहीं है, कोई ईर्ष्या और द्वेष की भावना तो नहीं है, कोई बैर विरोध की भावना तो नहीं है। यदि नहीं है तो भजन हो रहा है तो भजन नहीं हो रहा है। इसलिए गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे कि सुबह शाम बैठकर मात्र 5-5 या 10-10 मिनट संकल्प ग्लानि करते रहो, भजन है आत्मशोधन और आत्मचिंतन, आत्मानुसंधान। आत्मशोधन कैसे करना है? सुबह उठें, नींद खुले, चाहे बिस्तर पर लेटे लेटे या बिस्तर पर बैठकर, यह संकल्प करना है कि आज मैं जानबूझकर कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिस काम से दूसरे को दुख हो, पीड़ा हो, हानि पहुंचे। मैं जानबूझकर आज किसी के लिए गलत शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा, दुखदायी शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा, किसी की निंदा और चुगली नहीं करूंगा। जानबूझकर मैं किसी पर क्रोध नहीं करूं, किसी को गलती करते देख करके भी क्रोध नहीं करूंगा। कोई मुझे गाली दे, मेरे सामने मेरी निंदा करे तो भी मैं उलझूंगा नहीं, शांत रहूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। कोई मुझे थप्पड़ भी मार दे तो भी मैं शांत रहूंगा।
कोई मेरा आर्थिक नुकसान कर दे तो भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, शांत रहूंगा। आज मैं क्रोध का उत्तर क्षमा से दूंगा, कर्ता का उत्तर सरलता विनम्रता से दूंगा, इस प्रकार का संकल्प करें। और संकल्प करने के बाद फिर अपना जीवन का व्यवहार, जहाँ जैसा आपका कार्य क्षेत्र हो, जो आपकी जिम्मेदारी है, जैसा आपका कर्तव्य है, वह सब करें। और करते समय सावधान रहें, संकल्पों को याद करते रहें। दिन भर कार्य व्यवहार करने के बाद रात्रि जब शयन के लिए जाएं, तब फिर आंख बंद करके बैठ जाएं और दिन भर के कार्यकलाप का सिंहावलोकन करें कि आज मुझसे कहां कहां भूल हुई है, कब कब मन में उत्तेजना आई, कब कब मन में कड़ुता आई, क्रोध आया, कहां मैंने कितना गलत काम किया, निष्पक्ष होकर के समझें, चिंतन करें। जिनके जिनके लिए हमारे मन में कड़ुता आई, जिनके जिनके लिए मन में क्या वाणी में भी कड़ुता आई, गलत शब्द का उच्चारण हमने किया, कट कहा, गाली दिया, किसी के लिए क्रोध किया, ऐसा लगता है कि अमुक का अमुक प्रकाश नुकसान मेरे द्वारा हो गया, तो ग्लानी करें, मैंने संकल्प किया था सब नहीं करने का और फिर भी ऐसा काम हुआ, ग्लानी करें। और ग्लानी करके, क्योंकि आप अपने मकान में अकेले बिस्तर पर हैं, अब उन व्यक्तियों से क्षमा मांगने का तो कोई अवसर नहीं रह गया, क्योंकि व्यक्ति नहीं है, वो समय नहीं है, तो बिस्तर पर ही बैठकर जिन जिन लोगों के लिए आपके द्वारा दुर्व्यवहार हुआ, गलत काम हुआ, उनका नाम लेकर उनसे मन ही मना क्षमा मांग लें कि मुझसे भूल हुई, मैंने ऐसा किया, आप मुझे क्षमा करें। मन ही मन उनसे ग्लाने करते हुए उनसे क्षमा याचना करें। और यदि हम मन से भी क्षमा याचना नहीं कर पा रहे हैं, अहंकार आ रहा है, तो भजन कहाँ हो रहा है? फिर समझना चाहिए हमारा हृदय एकदम पत्थर बन गया, एकदम कठोर और क्रूर बना हुआ है, और ऐसे कठोर और क्रूर हृदय में भजन का काम नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष तो हम क्षमा मांग ही नहीं पा रहे हैं और मन अकेले में मन से भी क्षमा नहीं मांग रहे हैं, तो पाषाण हृदय के मालिक हम बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि आज अमुक ने मुझे गाली दी, अमुक ने मेरा अपमान किया, अमुक ने मेरी निंदा की, अमुक ने मेरा काम बिगाड़ दिया, तो उनका नाम लेकर के उन सबको सच्चे दिल से पूरी तरह क्षमा कर दें। अपने द्वारा जो गलतियां हुई है उनके लिए निश्चल हृदय से क्षमा याचना करें। और किसी ने हमारा नुकसान किया हो, आपका नुकसान किया हो, तो सच्चे दिल से उन्हें पूरी तरह क्षमा कर दें और उनके लिए ये भावना लाएं कि उन्होंने भूल में ऐसा किया, मेरी कामना है कि वो आगे किसी के लिए ऐसे भूल जनित काम ना करें। उनके लिए कामना करें कि उनका जीवन सुख में, शांति में, प्रसन्नता में, आनंद में व्यतीत हो और व्यवहारिक परमार्थिक हर क्षेत्र में वे उन्नति करें, हर प्रकार से उनका कल्याण हो, ऐसे उनके लिए कल्याण कामना करें।
यदि ऐसा हो रहा है तो समझना चाहिए भजन चल रहा है जीवन में, इसी से परिवर्तन आएगा जीवन में, इसी से सुधार होगा जीवन में। बाहरी भजन कर लेना, धर्म का कोई अनुष्ठान और कर्मकांड कर लेना सरल है, लेकिन ये प्रकार का भजन करना कठिन। और कोई हमें बताता भी नहीं है ऐसा भजन करना चाहिए, तो बात समझ में आती भी नहीं है। ये भजन का असली स्वरूप है आत्मशोधन करना। ऐसा करते चले, ऐसा करते चले, देखेंगे कि धीरे धीरे जीवन में कितना परिवर्तन आता जा रहा है, कितनी शांत आती चली जा रही है। आत्मशोधन का दूसरा रूप, बैठें और बैठ करके देखें, इतने दिन हो गए मुझे गुरु की शरण में गए, गुरु जी से दीक्षा लिए, सत्संग करते, स्वाध्याय करते, साधना करते, धर्म कर्म का काम करते, देखें कि काम की वासना कितनी घटी, क्रोध कितना घटा, लोभ मोह दूर कितने हुए, ईर्ष्या निंदा की भावना मिटी है या नहीं मिटी है। मैं अपने को भक्त मानता हूँ, दूसरे लोग भी मुझे भक्त कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, साधु महात्मा कहते हैं, सत्संगी कहते हैं, और मेरा मन ऐसा विकारी बना हुआ है, यही मेरी पहचान है। उसके लिए ग्लानी करें थी, आखिर मैं गुरु की शरण में क्यों गया, सुधार के लिए गया, कल्याण के लिए गया, तो क्या ऐसी दूषित भावना रख कर, ऐसे दूषित विचार और ऐसे गंदे विकारों को रख करके मेरा कल्याण हो सकता है? क्या यही मेरे जीवन की पहचान बनेंगे सब? इस प्रकार से ग्लानी, अपने दोषों के प्रति, अपने विकारों के प्रति, और धीरे धीरे उन दोषों विकारों को मिटाते जाएं, मिटाते जाएं, मिटाते जाएं। और लगता है कि काम की वासना, काम की लंपटता घट रही है, क्रोध दूर हो रहा है, लोभ घट रहा है, मोह घट रहा है, ईर्ष्या द्वेष की भावना घट रही है, निश्चलता बढ़ रही है, ईमानदारी बढ़ रही है, सद्गुण बढ़ रहे हैं, आत्मस्वस्थता बढ़ रही है, अंतर्मुखता बढ़ रही है, तो समझना चाहिए जीवन में भजन का काम हो रहा है। फिर आप मंदिर जाओ या मत जाओ, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका मन जाते हो अच्छा है, जाना चाहिए, वहां जाने से मन में कोमल भावना आएगी, लेकिन अब यदि ऐसा भजन हो रहा है, मंदिर यदि नहीं भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर का मंदिर तो एक प्रतीक है कि वहां जाकर के लोग अपने ढंग से उपासना कर सकें। उपासना का भी अर्थ क्या होता है? उपासना बराबर उपासना, उप निकट, आसना बैठना, निकट बैठना। मंदिर में कोई मूर्ति है, मान्यता है कोई भगवान है, और भगवान का स्वरूप क्या है? निर्मल, शुद्ध बुद्ध, कृतार्थ। तो जिसे आप भगवान मानते हैं उसके जो गुण हैं, शुद्धता, निर्मलता, निर्विकारता, उस शुद्धता, निर्मलता, निर्विकारता के निकट अपने मन को बैठा लेना, ये उपासना करना है। गुरु की उपासना, गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो निर्देश, गुरु का उपदेश, गुरु के जीवन की निर्मलता, उसके निकट अपने मन को बैठाना, और बैठाने का मतलब
उन गुणों को धीरे धीरे अपने मन में स्थान देते जाना, जीवन में स्थान देते जाना, व्यवहार करते जाना, ये उपासना, यही भजन है। और इसी की सीख के लिए, इसी की प्रेरणा के लिए ये मंदिर बनाए गए। मंदिर जाकर के पूजा करने का अर्थ है धीरे धीरे हमारा मन मंदिर बन जाए और हमारा जीवन मंदिर बन जाए, तब मंदिर जाना सार्थक हुआ। और जब मन मंदिर बनेगा, जीवन मंदिर बनेगा, तब जी कल्याण होगा। और मन जीवन मंदिर बन गए, समझना चाहिए कि भजन हो रहा है। जो मंदिर में भगवान बैठा है, उस भगवान को अपने मन मंदिर में बैठाइए, वहां से निकाल कर। और यदि मन मंदिर नहीं बना, जीवन मंदिर नहीं बना, तो बाहर मंदिर जाते रहो रोज रोज, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अहंकार हो जाएगा कि मैं पुजारी हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं भगत हूं, दिखावा बढ़ेगा और जीवन बिगड़ता चला जाएगा। पूजा का अर्थ है, उपासना का अर्थ है मन का उत्तरोत्तर सरल, कोमल और विनम्र विमल बनते चले जाना। मन सरल, कोमल, विमल, विनम्र नहीं बना तो पूजा कहाँ हो रही है, भजन कहाँ हो रहा है। यही असली भजन है। फिर कोई आप नाम जपते हो नहीं जपते हो, कोई धार्मिक कर्मकांड पूजा पाठ करते हो या नहीं करते हो, कोई खास महत्व नहीं रखता है। तो जीवन को ऐसा जिए, जीवन के कर्म इतने सुंदर ढंग से संपादित हों, इतनी पवित्रता जीवन में आ जाए कि जहां हम बैठे वहीं एक अदृश्य मंदिर का निर्माण हो जाए, हमारी उपस्थिति से, आपकी उपस्थिति से एक मंदिर का निर्माण हो जाए, लोगों को लगे कि कोई हमारे बीच आया है, तब भजन हो रहा है। ये आत्मशोधन करने से होगा, खाली कहने और सुनने से ये नहीं होगा। हम लोग कहने सुनने के आदि हैं, जो कहते सुनते हैं जीवन में हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते। और जब तक हमारा अपना जीवन प्रयोगशाला नहीं बनेगा, तब तक हजार ज्ञान की बातें हम कहते सुनते रह जाएं, सारी की सारी बातें हवा बन करके उड़ जाएगी। सारी बातें आखिर है क्या, हवा के झोंके तो हैं, हवा का झोंका आया चला गया। ऐसे ही हमने जो कुछ कहा सुना, हवा का झोंका बन करके उड़ गया। क्यों? जीवन को हमने प्रयोग धर्मी नहीं बनाया। और जीवन का प्रयोग धर्मी बनना, जीवन का प्रयोगशाला बन जाना, तब जीवन में भजन उतरेगा और भजन जीवन का अंग बन जाएगा। जो संत होते हैं, कहीं के भी हों, किसी मत पंथ के सच्चे संत, उनके पास जाने मात्र से हमें शांति क्यों मिलती है, शांति का एहसास क्यों होता है? क्योंकि उनका जीवन मंदिर बन गया होता है, जीवंत भगवान की अनुभूति होती है, उनका जीवन भगवत स्वरूप हो चुका है। ऐसी हमें हमारा जीवन बनाना होगा। भजन का अर्थ है, लोग मानते हैं भगवान को पाना, लेकिन भजन का अर्थ है भगवान को पाना नहीं, भगवान होना। आपको भगवान पाना नहीं है, होना है। भगवान तो मिला मिलाया है, उसका उद्घाटन करना है। सभी स्थितियों में समभाव, समता में जीना,
द्वंद आते रहेंगे, अनुकूलता प्रतिकूलता के, हानि लाभ के, मान अपमान के, सुख दुख के, इन द्वंद्वों में अप्रभावित होना यह भजन है। और जिनका जीवन अप्रभावित है वह भगवान है। द्वंद्व तो आते ही रहेंगे, द्वंद्वों से कौन बचा है, लेकिन द्वंद्वों से ऊपर उड़ जाना, अप्रभावित, अप्रभावित जीवन, ये भजन का परिणाम। तो भजन का अर्थ भगवान पाना नहीं, भगवान होना, और वह है सभी स्थितियों में समभाव में जीना, समता में, शांत, निर्द्वंद, निर्भय, अप्रभावित, सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। नानक साहब कहते हैं जिसके मन में सुख दुख के स्पर्श नहीं होता, अर्थात जो सुख और दुख दोनों द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके हैं, अप्रभावित, सुख मिला तो एकदम हर्षित, सम्मान मिला एकदम हर्षित, अपमान मिला, दुख मिला तो शोकित, पीड़ित, जीवन को हार गए, सुख मिला तो, दुख मिला तो, मान मिला तो, अपमान मिला तो, ये दोनों मन में स्पर्श ना करने पाए, दोनों से मन अप्रभावित, लोभ मोह अभिमान, जिसके मन में लोभ नहीं है, लोभ होता है निर्जीव पदार्थों का, मोह नहीं, मोह सजीव प्राणियों प्रति, मनुष्यों के प्रति, और अभिमान प्राणी पदार्थ जब मिल गए तो इनसे जोड़ करके अपने को बड़ा मान लेना कि मैं ऐसा हूं, मेरे पास ऐसा है, कौन मेरी बराबरी कर सकता है, मैं किससे कम हूं, ये भावना अभिमान। तो जिसका मन सुख दुख हर शोक से अप्रभावित, निर्द्वंद, निर्लोभ, निर्मोह और निराभिमान, नाना साहब कहते हैं ऐ मन सुनो, ऐसा व्यक्ति जीवंत भगवान है, उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दो। सुख दुख जीव परते नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक रे मना सो मूरत भगवान, क्योंकि वो भजन का साक्षात स्वरूप हो चुका है। तो ये स्थिति कब आएगी, जब हम बराबर आत्मशोधन का काम करते चलेंगे, और हमारे पास आत्मशोधन के लिए समय ही नहीं है। लोग कहते हैं क्या करूं महाराज, बहुत मन तो कहता है मैं भी कुछ भजन करूं, सत्संग करूं, लेकिन फुर्सत नहीं है। किसको धोखा दे रहे हैं आप ऐसा कह करके? दूसरे को धोखा नहीं देते, हम अपने को धोखा देते हैं। कितने लोग कहते हैं साहब मैं आश्रम में भले नहीं आ पाता सत्संग में, लेकिन मेरा मन यही रहता है, शरीर भले मेरा घर में रहता है लेकिन मेरा मन तो यही रहता है। उनसे मैं कहता हूं भैया ऐसा करना, शरीर को यही ले आना और मन को घर में छोड़ देना, अपने घर मन को घर में रखना, तालम बंद करके शरीर को यहां ले आना। ये धोखा दे रहे हैं हम कि साहब मेरा मन तो बहुत यही लगा, हमेशा यही लगा रहता है, भले नहीं आ पाता, मन लगा होता तो जरूर आते। धोखा क्यों दे रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, अरे नहीं आ पा रहे हो यही गलती कर रहे हो, एक झूठ बोल करके फिर गलती कर रहे हो, अपने साथ बेईमानी करना। हम अपने साथ बेईमानी करने में बड़े माहिर हो चुके हैं, कब तक बेईमानी चलती रही, ये बेईमानी का मिट जाना, अपने साथ जो हम बेईमानी कर रहे हैं इस बेईमानी का मिट जाना ही भजन करना है। सच्चा भजन हो जाएगा ना तो बेईमानी दूर हो जाएगी। इसके लिए करना होगा आत्मशोधन, और अंततो गत्वा भजन है आत्मानुसंधान, मैं की खोज, मैं को जानना, मैं कौन हूं।
मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ, कल्याण पाना चाहता हूँ, शांति पाना चाहता हूँ, भगवान पाना चाहता हूँ, तो मैं कौन हूँ? हम सबको जानने का प्रयत्न करते हैं, आकाश पताल देवी देवता स्वर्ग नरक भगवान भगवती, अपने को जानने के लिए हमारे पास समय नहीं और उसके लिए भावना नहीं, जिज्ञासा ही नहीं है, विचार ही नहीं है। और धर्म अध्यात्म के केंद्र में यदि कोई है तो मैं है। भगवान को हम पाना चाहते हैं, किसके लिए पाना चाहते हैं? अपने लिए ना। आप जरा ख्याल करो, आप भगवान मानते हो, भगवान मान करके भगवान की पूजा कर रहे हो, तो भगवान की पूजा भगवान के कल्याण के लिए कर रहे हो या अपने कल्याण के लिए कर रहे हो? तो कहेंगे अपने कल्याण के लिए, तो आप हैं कौन? भगवान को तो बाद में जानना, अपने को जानो पहले। और जो अपने को हम सही ढंग से जान लेंगे तो अलग से भगवान जानना रह नहीं जाएगा। तो मैं कौन हूं, इस तत्व का अनुसंधान, इसी को स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, भक्ति स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य भी धीयते, मुक्ति कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। स्वामी जी कहते हैं मुक्ति की जितनी कारण सामग्री है, जिन साधनों से मुक्ति की प्राप्ति होती है, उनमें भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही गरीयसी है, भक्ति अत्यंत वजनदार है, सबसे श्रेष्ठ। तो किसी ने पूछा, स्वामी जी आप भक्ति की इतनी महिमा गाते हैं, भक्ति को सभी धर्म साधनों में सर्वोत्तम बतलाते हैं, तो भक्ति है क्या? तो उन्होंने कहा स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य भी धीयते, स्वस्वरूप अनुसंधान, अपने आप की खोज, यह भक्ति है, मैं को जानना। लोग कहते हैं मैं को जान करके क्या मिलेगा, मैं को जानने से क्या फायदा होगा? तो आप इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? मैं के लिए कर रहे हैं ना। जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं? मैं के लिए। और उस मैं कहीं पता नहीं है, तो पहले मैं को जानना होगा कि मैं कौन हूं। मैं वह हूं जिसे मैं पाना चाहता हूं, जिसे पा करके मैं तृप्त और कृतार्थ होना चाहता हूं। मैं भगवान पाना चाहता हूं तो मैं भगवान रूप हूं, रूप क्या हूं? मैं भगवान हूं। मैं ब्रह्म पाना चाहता हूं तो मैं भगवान हूं, क्योंकि सारे ज्ञान का स्रोत, सारे ज्ञान का भंडार कौन है? सबकी कल्पना करने वाला कौन है? सबको जानने मानने वाला कौन है? आप ही तो है ना। ये जड़ तत्वों की व्याख्या करने वाला, इनकी खोज करने वाला, इनसे काम लेने वाला कौन? वो आप ही तो हैं। और आप ना हो तब अन्य का आवश्यकता क्या है? हम हैं तो हमारे लिए दूसरों की आवश्यकता है, और हम ही ना तो ध्यान क्यों कर रहे हैं आप तो कुछ नहीं है। आप और हम कुछ नहीं है तो ध्यान की क्या जरूरत? आप हम कुछ नहीं है तो भजन साधना अध्यात्म की क्या जरूरत? आप हम कुछ भी नहीं हैं तो देवी देवता भगवान भगवती की क्या आवश्यकता? क्यों? हम कुछ हैं पहले, तब इनकी आवश्यकता है। तो आप कौन? इसके लिए अंतर यात्रा करनी होगी, अंदर मुड़ना होगा। जब अंतर यात्रा होगी, मन बहिर्मुखता से लौट करके अंतर्मुख हो गया, शांत होगा, तब समझ में बात आएगी। अस्ति कच्चि स्वयं नित्य अहम प्रत्यय लंबना, अवस्था त्रय साक्षी संत पंचकोश विलक्षणा। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं अस्ति कश्चित कोई है, अस्ति है कश्चित कोई, क्या? अहम प्रत्यय लंबना, अहम प्रत्यय मैं बोध,
का आलंबन कहता हुआ स्वयं नित्य, स्वयं नित्य है। कोई ऐसी सत्ता है जो मैं बोध का आधार है, जहां से मैं की आवाज निकल रही है, वो कहते हैं स्वयं है, नित्य है। और कहता है अवस्था त्रय साक्षी सन, जो तीन अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तीनों अवस्था का साक्षी। जागृत में आप जानते हैं दृश्य प्रपंच को जानते हैं, स्वप्न में जागृत के संस्कारों को जानते हैं देखते हैं, और सुसुप्ति में स्वयं को जानते हैं। वहां सुसुप्ति में भी आप जानते हैं, यदि सुसुप्ति में आप ज्ञाता न होते, सुसुप्ति में आपका जानी दशा न रहती, तो सोकर उठने के बाद आप कैसे कहते कि आज मैं ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, तो कौन जान रहा था, आप तो थे नहीं, आप वहां भी थे, तभी आप कह रहे हैं कि आज ऐसा सोया कि मैं कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं को कौन जान रहा था, आप जान रहे थे ना। तो ये जो चेतन है अवस्था त्रय साक्षी सन, सन मतलब है ये तीनों जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का दृष्टा ज्ञाता, पंच कोश विलक्षणा और पांच कोश से विलक्षण, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये पांच कोश माने गए हैं। इन पांचों कोशों का दृष्टा, इन पांचों कोशों का जानने वाला, इनके इनकी व्याख्या करने वाला आप हैं। तो लौट करके मैं तत्व को समझ लेना कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं, और ऐसा जान करके अपने आप को सारे जड़ दृश्यों से छुड़ा लेना, छुड़ाकर आत्मस्थित हो जाना, आत्मशांत हो जाना, मैं पूर्ण शांत हूं, इस भाव में आकर के मन का रुक जाना, इसका नाम है भजन करना। और इसी भजन से ही मन की भूख दूर होगी। बाहर कितना भी ऐश्वर्य मिल जाए, आपके मन की पीड़ा, आपके मन की भूख दूर होने वाली नहीं है। जब आत्मशोधन हो जाएगा, आत्मशोधन करते करते मन निर्मल निर्विकार निश्चिंत हो जाएगा, और शरीर संसार का मोह छोड़ते छोड़ते मन आत्मतुष्ट आत्मशांत हो जाएगा, आत्मस्थित हो जाएगा, मन की भूख पूरी समाप्त, पूर्ण कृतार्थ अवस्था, और रह गए आप, केवल रह गए आपकी सत्ता मात्र रह गई। उस दशा में पहुंचने के लिए ही भजन है, और यही वास्तविक भजन, इसी के लिए हम लोग यहां प्रयास कर रहे हैं ध्यान शिविर में। जब तक ये भजन नहीं होगा, आत्मशोधन आत्मचिंतन और आत्मानुसंधान, तब तक बाहर भटका दूर नहीं होगा, स्थिरता नहीं आएगी, और मन की भूख दूर ना होगी, कृतार्थता ना होगी। तो आत्मशोधन आत्मचिंतन और आत्मानुसंधान यही वास्तविक भजन है, इसको हमें समझना है। बाकी आप जो कर्मकांड क्रियाकलाप कर रहे हो करते रहो, मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिए या इसको समझ नहीं पाए तो इधर से भी गए उधर से भी, वो भी करते रहो ये भी करते रहो, करते करते अपने आप वो सब छूट जाएगा। तो सब तरह से मुड़ कर आत्मशांत आत्मस्थित हो जाना, इसी का नाम है भजन करना। और जब ये भजन हो गया, पूर्ण दुख निवृत्ति हो गई, मन की मांग पूरी हो गई।